हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आया हूं, जिसको लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों इन तीनों जो वर्ड है एक साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 का एक टॉपिक है, उसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज मैंने बच्चों ये जो तीन सब्जेक्ट तीन जो वर्ड सेलेक्ट किया है वो है आपका फाइलोक्लेडी, क्लेडोड और फाइलोड। ठीक है, तो ये काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो इनको लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इनको एक साथ डिस्कस करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें है, और फिर आपको ये चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से मैं क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमोनोम्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करूँगा। और भी अगर आपके पास ऐसे तीन या दो या चार के सेट में कोई वर्ड्स है, बायोलॉजिकल वर्ड्स है जो कन्फ्यूजिंग लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर वन बाई वन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस तरह के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का डिस्कशन। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बच्चों फाइलोक्लेडी। ठीक है, फाइलोक्लेडी बच्चों, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि ये मॉडिफिकेशन किसका है, ये मॉडिफिकेशन है बच्चों स्टेम का। ठीक है, क्लेडोड ये भी मॉडिफिकेशन है किसका बच्चों, ये है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर का पार्ट है। और फाइलोड जो है बच्चों ये मॉडिफिकेशन है किसका, ये मॉडिफिकेशन है लीफ का मॉडिफिकेशन से। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये दो मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के, और ये जो मॉडिफिकेशन है बच्चों वो आपका है लीफ का। ठीक है, दूसरा आपका जो फाइलोक्लेडी जो बच्चों होता है मॉडिफिकेशंस, ये होता है आपका जीरो फाइटिक प्लांट में, वाटर डेफिशिएंट जहां पे प्लांट ग्रो करता है। और ये बच्चों ये तो आपका मेजोफाइट है। ठीक है, मेजोफाइटिक प्लांट्स है जो नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करता है। और आपका बच्चों ये जो है लीफ है वो आपका ये भी जीरो फाइटिक प्लांट्स का ही मॉडिफिकेशंस है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, एनीवे ज़्यादातर दिक्कत होता है इस फाइलोक्लेडी और फाइलोड्स में, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेटमेंट मिलता जुलता है, जैसे ये जेरोफाइटिक में है, जेरोफाइटिक्स में है। ठीक है, हाँ, अब इसमें चेंजेस क्या क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे फाइलोक्लेडी में यहाँ पे जो लीफ है ये रिड्यूस्ड हो जाता है और मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइन में, कांटे में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाला है क्लेडोड्स में, कोई भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। और फाइलोड्स में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे लीफ जो होता है लीफ पूरा का पूरा चेंज नहीं होता है। ठीक है, लीफ के पार्ट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लीफ का जो लेमिना है सबसे ब्रॉडर पार्ट ये रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरा लीफ का जो पेटियोल होता है बच्चों, पेटियोल ये आपका ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाता है समथिंग ऐसा बच्चों। ये हो गया रिड्यूस्ड लेमिना, ये थोड़ा ब्रॉडर आपका पेटियोल ग्रीन फ्लैट भी हो गया है, और ये इसके लेमिनास वाला जो भी स्टेम्स पार्ट से अटैच होता है, तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है। आई बात समझ में, इसमें आ जाओ, यहाँ पे बच्चों लीफ स्पाइनी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, और जो स्टेम है ये आपका ग्रीन फोटोसिंथेटिक और फ्लैसी हो गया है। अब फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर स्टेम कर रहा है, यहाँ फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहा है, पेटियोल कर रहा है। बट इस केसेस में क्या होता है बच्चों, इसमें
ब्रांचेज मॉडिफाइड होता है, ठीक है ना। मेजोफिटिक प्लांट्स है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि लीफ या फिर पर्टिकुलरली कोई स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है, ठीक है। तो पहले तो इतना समझ लो कि क्या क्या चेंजेस हुआ इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों में कॉमन कुछ देखते हैं। तो ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे स्पाइनी स्ट्रक्चर कुछ बनने वाला है नहीं, यहाँ पे स्पाइन्स बन गया है तुम्हारा। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका सिर्फ लीफ का और ये स्टेम का पार्ट है, स्टेम का मॉडिफिकेशंस है। और स्टेम्स में बच्चों लीफ जो है स्पाइनी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पाइनी स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे लीफ को बोल सकते हो बच्चों, लीफ जो है ये रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है, या मॉडिफाइड हो गया है। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेटिक तो होता ही है, बट यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा लेमिना फोटोसिंथेसिस नहीं करके पेट्रियोल फोटोसिंथेसिस करता है। अब आ जाते हैं बच्चों इन दोनों में हम लोग कुछ मैंने जो मेजर डिफरेंस है क्लेडोड और फाइलोक्लेडीज में उसको देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होल जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे होल स्टेम क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ओनली ब्रांच जो है ये मॉडिफाइड होता है, ओनली ब्रांच मॉडिफाइड होता है, ठीक है। एनीवे यहाँ पे जो स्टेम है बच्चों ये आपका अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, और यहाँ पे बच्चों ये लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ठीक है। क्या करेगा तुम्हारा, लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे बहुत सारे सेवरल नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, सेवरल इंटरनोड प्रेजेंट होता है, इंटर नोड प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे बच्चों यहाँ पे या तो वन और फ्यू, ठीक है, दो बहुत ज्यादा हो गया, दो यहाँ पे इंटरनोड नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरनोड प्रेजेंट होता है या फ्यू, दो कह सकते, वन और टू ही कह देते हैं, फ्यू भी बहुत अच्छा नहीं है, वन और टू इंटरनोड्स इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे इंटरनोड होता है, ठीक है। ये तो बात रही हम लोगों का जो मोटा मोटी डिफरेंस है बच्चों, वो मैंने आप लोगों को बताया। एक बार फिर से देख लो, जो फाइलोक्लेडीज है, क्लेडोड है, दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, एक जेरोफिटिक एक मेजोफिटिक प्लांट्स में। यहाँ पर लीफ स्पाइन में चेंज होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ओनली ब्रांचेस मॉडिफाइड होता है बच्चों, ठीक है, ब्रांचेस मॉडिफाइड होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे स्टेम जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ये लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे सेबरल इंटरनोड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सेबरल इंटरनोड, यहाँ पे ओनली वन और टू इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। एनीवे अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लेके चलोगे तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को बच्चों कि ये मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपका जो एग्जाम्पल्स है फाइलोक्लेडीज का, यहाँ पे है, एक है ओपेंशिया, दूसरा है यूफोर्बिया, और तीसरा हम लोग कैजुराइना ले सकते हैं। इसमें बच्चों ये जो ओपेंशिया होता है ये फ्लैट होता है, और ये दोनों जो होते हैं बच्चों ये सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है ना, ये सिलिंड्रिकल होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे देखा होगा बच्चों तुम लोग यूफोर्बिया नहीं, मतलब इसी को देख लो, ओपेंशिया को, तो ओपेंशिया में बच्चों क्या होता है, इस तरह से ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इस तरह से ढेर सारे ब्रांचेज इसके ऊपर इस तरह से निकला हुआ रहता है। तो देख रहे हैं कि इसमें सेवरल नोड और इंटरनोड्स होते हैं। दूसरा बच्चों कि यहाँ पे ये जो स्पाइनी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये सब लीफ का मॉडिफिकेशन है। ऊपर यहाँ पे कहीं पे फ्लावर और फोलिएज लीफ भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका स्पाइन, ये हो गया फोलिएज लीफ, और ये बच्चों हो गया इसका फ्लावर पार्ट, और ये ढेर सारा नोड और इंटरनोड वगैरह दिख रहा है बच्चों इसमें, ठीक है।
और जहाँ जहाँ ये लीफ है दैट मीन्स वो भी तो इंटरनोड वगैरह भी शो कर रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आपका क्लेडोड में आ जाओ, तो क्लेडोड में बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो है आपका एस्पेरेगस, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। और दूसरा एक और हम ले सकते हैं रस्कस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों कि एस्पेरेगस में सिर्फ एक इंटरनोड होता है और रस्कस में दो इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, दो इंटरनोड प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें बच्चों ये प्लांट है, बहुत सारा प्लांट्स है इसमें, लीफ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो इसका एक पर्टिकुलर ब्रांच जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से वो मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, स्वेलन एंड फ्लैसी पार्ट उसका स्टेम जो होता है मोटा हो जाता है, मतलब स्टेम इस तरह से हो जाएगा और ये छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग जब एज अ वेजिटेबल्स ए वेजिटेरियंस हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तुम्हारा वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये था बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल्स। और सिलिंड्रिकल्स का मतलब जानते ही होंगे, इसमें ये ग्रो करेगा इस तरह से, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकली ग्रो करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा तीन वर्ड्स था और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे बता दिया। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल है फाइलोक्लेडेट्स का, अकेसिया नहीं बोलना है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है, अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया ये होता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में लीफ होता है। जैसे हम लोग अकेसिया जो बोलते हैं बच्चों, वो उसमें पेट्रियोल और उसका जो रीम्स होता है, जो वेन होता है, वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है इसमें, ठीक है। एक चीज़ और बोल सकते हैं बच्चों कि ये आपका जो फाइलोक्लेडीज और फाइलोड और फाइलोक्लेडीज, ये एक दूसरे से कैसा होता है, एनालोगस स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, ठीक है, एनालोगस स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें फंक्शन दोनों का है, फोटोसिंथेसिस बट मॉडिफिकेशन है, एक आपका लीफ का और एक है बच्चों स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये दोनों एनालोगस स्ट्रक्चर है, फाइलोक्लेडी और फाइलोड, ध्यान में रखना है, एनालोगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों ये जो तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स है इसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इस तरह के और भी मैं बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है बच्चों, कि कम से कम इतना आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स का भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इसको तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए बच्चों, ठीक है ना, और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिनको ये कन्फ्यूज़न है उनका कन्फ्यूज़न दूर करिए, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।